हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI की कुछ और थीम्स के बारे में। एंड यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम MIUI 11 की थीम्स क्यों नहीं ला रहा, तो और साथ में कुछ लोग उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं। तो यार मेरे को ज़्यादा माफ़ करना, क्योंकि भाई MIUI 11 नहीं है मेरे पास, मैं MIUI 12 पे अपडेट हो चुका हूँ। और साथ ही साथ MIUI 11 की अगर मैं थीम्स ढूंढने में बैठूँ तो कोई अच्छी थीम्स अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितने भी जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने सबने MIUI 12 की थीम्स पे स्विच कर लिया है। एंड मेरे को जैसे ही मिलेगी ना MIUI 11 की थीम, मैं उसी टाइम उसी दिन वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो यार वेट करो और मेरे को मिलते ही ले आऊँगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज MIUI 12 की थीम्स लाया हूँ क्योंकि मेरे को मिली नहीं, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। तो अब आज की थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चल जाते हैं थीम स्टोर के ऊपर। एंड जो फर्स्ट थीम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है डार्क पिक्सल। एंड ये थी मेरे को काफ़ी पसंद आई, बिकॉज एक तो आपको इसमें पिक्सल का लुक देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें कंट्रोल सेंटर में भी चेंज देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो दोस्तों जिन डिवाइसेस को MIUI 12 नहीं मिला उनको मिल जाएगा, तो यार वेट कर लो थोड़ा, तो फिर आप इन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर मेरे पे लिंक होता रहा तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा देता, पर मेरे पे लिंक भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आपको नोट करने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे इसे अप्लाई मार लेते हैं थीम को एंड देख लेते हैं आपको उसमें क्या देखने को मिल जाता है। तो फटाफट चल जाते हैं, तो यहाँ पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलता है। वेट अ मिनट, मैं इसको फोकस करूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर से लेके आइकन्स तक सब आपको यहाँ पे पिक्सल वाला देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड करा देता है। एंड अब बात कर ले हम अगर इसके सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो वो आपको उस टाइप का देखने को मिलता है। जैसे कि ये डार्क थीम है तो आपको इसमें डार्क लुक ही देखने को मिल जाता है विद पिक्सल स्टॉक एंड टाइप का लुक। उसके बाद हम बात कर ले इसके डायलॉग मेन्यू के बारे में, तो डायलॉग मेन्यू आपको कुछ उस टाइप का देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि पिक्सल वाला लुक आपको प्रोवाइड कराता है। एंड इसके हर आइकन में आपको एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अब बात कर ले दोस्तों इसके स्टेटस मेन्यू के बारे में, तो वो आपको सेम देखने को मिलता है, बट कंट्रोल सेंटर इज चेंज। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट स्टाइल का लुक देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर, एंड ये बाकी उसे काफ़ी ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट हम बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है पिक्सल वाली। इधर स्वाइप करेंगे तो आई थिंक ये कुछ नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे कैमरा खुलता है दोनों साइड से, ठीक है। तो अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा। एंड इस थिंग को मैंने यूज किया स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोल सेंटर, तो यही मेरा एक रीज़न था। अब हम चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें आपको कोई बूट एनिमेशन देखने को मिलती है नहीं, तो थीम्स कस्टमाइज थीम एंड बूट एनिमेशन, तो इसमें आपको नहीं देखने को मिलती। ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फर्स्ट थीम, अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड थीम की तरफ। तो जो सेकेंड थीम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है MIUI Pro। एंड ये जिन लोगों को सैमसंग की थीम्स पसंद है उन्हें थीम परफेक्टली कंफर्म पसंद आने वाली है, तो यहाँ से इसे अप्लाई मार देते हैं। एंड ये हुई अप्लाई, चलो जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं आपको इसके आइकन पैक जो है पूरा ही आपको सैमसंग वाला लुक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात कर ले विजेट के बारे में, तो वो काफ़ी डिफरेंट है एंड काफ़ी कूल यहाँ पे लगता है। यार मेरे फेवरेट है सैमसंग के MIUI के आइकन्स, तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले सेटिंग्स मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत साइड में आइकन्स में चेंज देखने को मिलता है। एंड अब बात कर ले इसके बारे में डायलॉग मेन्यू के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे MIUI वाला ही देखने को मिल जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं फॉन्ट भी वैसा ही है। नेक्स्टली हम बात कर ले इसके स्टेटस मेन्यू के बारे में, तो दैट इज सेम, बट यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया आइकन्स लगा रखे कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कस्टमाइज़ कर रखा है कंट्रोल सेंटर को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्टली हम बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है प्योर, या जो कहते हैं ना कि ढंग से बनाई हुई लॉक स्क्रीन, वो है ये, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। एंड अगर आप इधर से करेंगे तो यहाँ पर फ़ोन खुलेगा, यहाँ से आपका कैमरा खुलेगा एंड ऊपर साइड से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा विद अमेजिंग एनिमेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये अब ऊपर करेंगे, ये देखो भाई क्या मस्त एकदम एनिमेशन आती है, ये आपको कुछ उस टाइप का देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ पे इसे रिबूट मार लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे रिबूट, चलो जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे फ्लावर सा घूमता हुआ देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे भी रिबूट भी हो जाएगा ये, तो रेडमी लिखा गया, अब यहाँ पे रिबूट होगा भैया, बूट एनिमेशन आने वाली है, तो अभी आएगी भाई, चलो भैया आ जा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सैमसंग की बूट एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात लगी मेरे को, काफ़ी यहाँ पे आपको कूल लुक देखने को मिल जाता है इसके अंदर, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया ये।
तो इसके बाद ये जैसे सैमसंग बूट होता है वही सेम तरीके से बूट होगा एंड ऊपर करिए एंड आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की थीम एंड आज की वीडियो। तो अगर आपको आज की थीम्स और आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप नए हैं मेरे को पता है क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो प्लीज यार अभी के भी सब्सक्राइब मार दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, सारे सारे वीडियो को पूरा दिखा करो यार, पूरा सपोर्ट मिल जाता है मेरे को। एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि वो मेन थीम्स का आनंद उठा सके। एंड मैं मिलता हूं आपसे एक नई वाली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई थीम्स के साथ। एंड MIUI 11 की थीम्स जल्दी आएगी, तो बाय।